जी नाज़रीन, मैं नेशनल स्टेडियम पे मौजूद हूँ और इस वक्त इस्लामाबाद यूनाइटेड की जो टीम है वो प्रैक्टिस करने के लिए पहुँच चुकी है और पेशावर ज़ल्मी की टीम जो है वो कुछ देर में यहाँ प्रैक्टिस के लिए पहुँचेगी। और नेशनल स्टेडियम को बहुत अच्छी तरीके से सजाया गया है और बहुत ही कम टाइम में जो है इसको इंटरनेशनल मैच के लिए रेडी किया गया है। आप देख रहे हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के जो प्लेयर्स हैं वो इस वक्त रेडी हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं यहाँ पर नेशनल स्टेडियम कराची में। खूबसूरत ये स्टेडियम जो है वो तैयार किया गया है और यहाँ रिहर्सल भी चल रही है, जो कल म्यूज़िक का एहतमाम है, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट का जो है वो यहाँ पर मसाला रखा गया है। और जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो जे बी डोमिनी ने और वक्कार यूनुस ने कहा था कि हमारी फुल टीम खेल रही है, मिसबाह उल हक का जो अभी फाइनल टेस्ट होना है, मिसबाह उल हक अगर फिट हुए तो मिसबाह उल हक भी जो है वो भी कल का मैच खेलेंगे। जे बी डोमिनी को आप देख सकते हैं इस वक्त फुल जो है वो तैयारी के साथ जो है वो प्रैक्टिस कर रहे हैं और बिल्कुल फिट नज़र आ रहे हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है और बहुत ही अच्छे प्लेयर्स जो हैं वो इस टीम में है। इंटरनेशनली सारे प्लेयर्स जो हैं ज़्यादातर जो उनके पहुंच चुके हैं। लुक रॉन्की के ऊपर बहुत ज़्यादा इनका फोकस है। लुक रॉन्की जो है अगर वो चल पड़े कल के मैच में दोबारा तो इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए कोई शक नहीं होगा इस PSL 3 के फाइनल को जीतने के लिए।